वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर। तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर के द्वारा, मतलब नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे के द्वारा NWR अजमेर अप्रेंटिस का कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। जिस स्टूडेंट ने अभी तक कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किया या कॉल लेटर जिस तक नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि NWR अजमेर के द्वारा अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट का कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। चलिए, इसमें आपको पता है कि NWR अजमेर अप्रेंटिस का कॉल लेटर 2024 का जारी कर दिया गया है। NWR जयपुर की ओर से ITI पास कैंडिडेट के लिए 10/1/2024 की अप्रेंटिस निकाली गई थी और जिसका ऑनलाइन फॉर्म 10/2/2024 तक भरा गया था। और NWR जयपुर अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है और NWR अजमेर अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर बाय पोस्ट आ रहा है। एक चीज़ याद रखेंगे, बाय पोस्ट आ रहा है, तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब बाय पोस्ट कॉल लेटर आ रहा है। जिसको भी आया है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो जोन की बात करेंगे हम, तो जोन है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और रिक्रूटमेंट टाइप है अप्रेंटिसशिप का। टोटल पोस्ट थी 1646 और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो 10+ ITI रिलेवेंट ट्रेड से अप्रेंटिस निकाली गई थी। टोटल जो एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन है। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 10/1/2024 और एप्लीकेशन की इसकी लास्ट डेट है 10/2/2024। ठीक है, 10/2/2024 इसकी लास्ट डेट थी और अजमेर कॉल लेटर जारी किया गया है अजमेर की ओर से 17/5/2024 को। सिलेक्शन की प्रोसेस है मेरिट बेस पे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर अजमेर अप्रेंटिस का जो कॉल लेटर जारी किया गया है, तो NWR अजमेर अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर रजिस्टर पोस्ट से सिलेक्टेड कैंडिडेट को आ रहा है। तो जिसका सिलेक्शन हुआ है वही कैंडिडेट को कॉल लेटर आ रहा है, याद रखेंगे। और NWR अजमेर अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 मई, याद रखेंगे इसकी डेट 27 मई से तक चलेगा इसका। और वेन्यू क्या है, एड्रेस क्या है, तो EM अनुभाग कार्मिक शाखा मंडल कार्यालय अजमेर। तो 27 मई तक इसके डेट है, आप देख लीजिए। जिस जिसका कॉल लेटर आ रहा है तो वो जाएं ज़रूर। लेके क्या क्या जाएंगे, NWR अजमेर अप्रेंटिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या क्या ले जाना है, मूल शैक्षणिक 10वीं ITI मार्कशीट व प्रमाण पत्र एवं अन्य स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रति। सेकेंड में मूल जाति प्रमाण केंद्र सरकार द्वारा जारी एवं नवीनतम एवं स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रति। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया मान्य नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मूल आधार कार्ड, 6 नवीनतम पासपोर्ट साइज, रंगीन फोटोग्राफ के जिसके पीछे आपका नाम और पंजीकरण संख्या अंकित हो ऐसा लेके जाना है आपको। सादे कागज़ पर आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या के साथ दो शारीरिक पहचान जो चिन्ह होते हैं उसको, है ना, तिल को छोड़कर अंकित करना होगा आपको। शारीरिक पहचान के लिए चिन्ह चिकित्सा परीक्षण मेडिकल के दौरान जाँच की जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थी को स्थायी पहचान के चिन्ह की ही सादे कागज़ पर अंकित करना है, वरना नहीं करना है। यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि या ऑनलाइन आवेदन करते समय त्रुटिवश गलत सूचना दर्ज कर दी जाती है, तो अभ्यर्थी को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनाकर अपने साथ लाए गए दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के ने आवेदन के समय PWD श्रेणी तथा एक्स सर्विसमैन श्रेणी के तहत आवेदन किया है तो प्रमाण पत्र अपने साथ अवश्य लाएं, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल विथ 2 सेट फोटोकॉपी आपको लेकर आना अनिवार्य है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसका भी कॉल लेटर आ रहा होगा या जिसका भी कॉल लेटर आया होगा बाय पोस्ट घर पर, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि सबको मैसेज सही जाए। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।